एम सॉल्यूशन चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की गणित प्रथम जो एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है और अध्याय 2 पर ये विविध प्रश्नावली है। इसमें तमाम प्रकार के प्रश्न आएंगे जो सभी प्रकार के प्रश्नों के मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो चलिए मैं सवाल नंबर 6 बताता हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में सवाल नंबर 5 तक बता चुका हूँ। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर प्रतिलोम वृत्ति फलन वाला सेक्शन चूज करके वहाँ से पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 6 को हम लोग लेकर हल करते हैं। दिया है कि कास इनवर्स 12/13 बराबर नहीं, यहाँ तो प्लस चिन्ह है। साइन इनवर्स 3/5, ये प्लस चिन्ह है भाई। साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65, 56/65। इन दोनों को सॉल्व करके राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 56/65 लाना है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसे हम लोग दो त्रिभुज बना करके सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अलग मेथड से, सिंपल तरीके से, एकदम से सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर कास इनवर्स 12/13 को मान लीजिए थीटा, तो हो जाएगा कास थीटा बराबर 12/13। तो कास थीटा के लिए 12/13 यहाँ पर एक त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पर थीटा रखिए, कास थीटा 12/13 यानी आधार बटे कर्ण, ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। तो ये कितना आएगा, ये ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा। आप जब पाइथागोरस प्रमेय इस पर अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5। अब मुझे निकालना यहाँ से टेन थीटा। टेन थीटा क्यों निकालना, कि इसको और इसको इन दोनों को टेन के रूप में चेंज कर देंगे तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी यानी टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे तो लंब बटे आधार यानी 5/12। तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स कितना, टेन इनवर्स 5/12। और यहीं बगल में ही हम साइन इनवर्स 3/5 को मान लें अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर होगा 3/5। और इसके लिए भी हम छोटा सा त्रिभुज बना दें, समकोण त्रिभुज, यहाँ पर लिख दें अल्फा। तो ये होता है लंब बटे कर्ण यानी 3 यहाँ पर होगा लंब और ये कर्ण होगा, तो ये ऑटोमेटिक 4 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करोगे तो 4 आएगा। कैसे आएगा ये तो कक्षा 9 के बच्चों की बात है, आपको मैं बताऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये सब आपके दिमाग में कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ से भी टेन अल्फा निकालते हैं हम लोग। टेन अल्फा इक्वल टू होगा लंब बटे आधार यानी 3/4। तो अल्फा बराबर होगा टेन इनवर्स कितना, 3/4। तो अब जरा लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने लिया है एक बार फिर से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अभी यह सवाल बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख लेता हूँ फिर से, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। कास इनवर्स 12/13 को मैंने क्या लिखा, थीटा लिखा है, तो यहाँ भी लिख देता हूँ थीटा। इसको क्या लिखा था, अल्फा लिखा था, यहाँ देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। कास इनवर्स 12/13 को यहाँ थीटा लिखा मैंने, तो वो मान मैंने यहाँ लिखा। और साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिखा, अल्फा, उसको भी यहाँ लिख दिया। अब इसको लिखने से फ़ायदा क्या हुआ हमको, थीटा के वैल्यू मैं यहाँ से ले लेता हूँ, टेन इनवर्स 5/12 प्लस अल्फा का वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, टेन इनवर्स कितना, 3/4। अब ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला यहाँ पर रन कर जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, आप सबको पता है, मैंने लिखवाया भी है। वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 5/12 प्लस 3/4 बटे 1 माइनस एक्स वाई
यानी 5/12 गुणे 3/4। इसको जरा हल करें। टेन इनवर्स, ये मेन लाइन है 12 और 4 का लघुत्तम होगा 12, और यहाँ पर आएगा 5 + 4 3 12 तो हो जाएगा 3 3 का 9, और नीचे क्या होगा 12 4 48 होगा। 48 से करने, 48 में से 5 3 15 घटेगा, 48 - 15। थोड़ा और हल करते हैं इसको। टेन इनवर्स 9 5 14/12 होगा, और यहाँ कितना होगा 8 में से 5 घटेगा 3, और यहाँ बचेगा 1 में से 4 में से 1 घटेगा 3, 33/48। अब पहले का 14 से गुणा कर देते हैं, 14 × 48 / 12 × 33। काट सकते हैं 12 से 48, लेकिन हम यहाँ नहीं काटेंगे, आपको दूसरे तरीके से बताएंगे। टेन इनवर्स 14 × 48 / 12 × 33, 12 × 33। अब 12 करने 12 12 चौक 48, 14 चौक 56 बटे कितना आ गया, टेन इनवर्स 56/33 आ गया। हमको जो सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड क्या है जरा एक बार देख लीजिए आप। राइट हैंड साइड है साइन इनवर्स 56/65। तो एक काम करते हम लोग, इसको टेन इनवर्स के लिए भी एक त्रिभुज बना लो भाई। टेन इनवर्स 56/33 को मान लीजिए आप, इसको मान लीजिए बीटा, तो टेन बीटा बराबर होगा 56/33। तो यहाँ पर यदि बीटा है तो 56 यहाँ होगा, 33 यहाँ होगा, लंब बटे आधार, और एकर्ण कितना आएगा, एकर्ण आ जाएगा इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, जोड़ करके जब वर्गमूल लेंगे तो इसका आएगा 65। पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा आप त्रिभुज ए बी सी में, तो ये आएगा आपका 65। ओके, अब आपको क्या करना है, जरा आंसर आप राइट हैंड साइड देख लीजिए। राइट हैंड साइड में है साइन इनवर्स, यानी मुझे जो त्रिभुज अभी अभी मैंने बनाया उसमें से साइन बीटा का मान निकालेंगे। यहाँ से आप यदि साइन बीटा निकालना चाहें तो क्या आएगा, लंब बटे कर्ण यानी 56/65। बीटा का मान आ जाएगा क्या, साइन इनवर्स 56/65, और बीटा वास्तव में मान किसका था, बीटा मान था टेन इनवर्स 56/33 का, टेन इनवर्स 56/33 का, यानी जहाँ पर यह चीज़ है हम वहाँ पर यह चीज़ लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो सवाल नंबर 6 तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब बारी है सवाल नंबर 7 को हल करने की। इसी तरीके से उसको भी हम लोग हल कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा है, छोटा छोटा स्टेप है, कई स्टेप है, तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम छोटे छोटे स्टेप में ही सॉल्व कर देंगे। सवाल नंबर 7 को ले लेते हैं। सवाल नंबर 7 भी बहुत ही बेस्ट सवाल है, अभी आप देखें इसको भी सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स 63/16 बराबर सिद्ध करना साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड लेके चलना ज़्यादा उचित रहेगा, तो मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। क्या चीज़ है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, इसको मान लेता हूँ मैं, साइन इनवर्स 5/13 को मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा, और कॉस इनवर्स 3/5 को मान लेते हैं अल्फा। तो यहाँ पर देखें, साइन इनवर्स 5/13 को मान लिया मैंने थीटा, तो साइन थीटा बराबर आ गया 5/13, तो टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा आएगा आपका, त्रिभुज बना के देख लिया जाए, त्रिभुज बन गया, थीटा यहाँ लिख दो, 5 यहाँ 13 यहाँ, तो 12 आ जाएगा यहाँ,
टेन थीटा लंब बटे आधार यानी 5/12, टेन थीटा 5/12, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 5/12। अब आ जाओ कास वाले के साथ, कास वाले के साथ भी यही काम कर दो। मान लो इसको अल्फा, तो कास अल्फा आ गया 3/5, त्रिभुज बना लो भाई, यहाँ अल्फा लिख लो। कास अल्फा होता है आधार बटे कर्ण, यानी यहाँ 3 यहाँ 5, तो ये होगा 4। तो यहाँ से भी टेन अल्फा निकालो, टेन अल्फा लम्ब बटे आधार 4/3, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 4/3। अब आओ भैया, साइन इनवर्स 5/13 को क्या माना आपने, थीटा माना था। कॉस इनवर्स 3/5 को क्या माना था, अल्फा माना था। अब क्या हुआ, थीटा का मान यहाँ से आपने निकाला, टेन इनवर्स 5/12। अल्फा का मान आपने यहाँ से निकाला है, देख लीजिए, टेन इनवर्स 4/3 निकाला है। अब यहाँ पर भी आप फिर से सूत्र पा गए, टेन इनवर्स 5/12, टेन और टेन इनवर्स 4/3, तो ये सूत्र होगा टेन इनवर्स ए प्लस बी, यानी 5/12 प्लस 4/3/1 माइनस 5/12 × 4/3। थोड़ा इसके कैलकुलेट करने में जो टाइम लगे, 12, 3 का लघुत्तम 12 होगा, ऊपर होगा 5 प्लस 3 चौक 12, यानी 4 चौक 16, और नीचे गुणा होगा 48। नो नो नो, 12 3 36 होगा, 36 36 36 का 1 में गुणा करेंगे, 36 एक 36 में से 5 चौक 20 घट जाएगा, 16 आएगा। 36 में से 20 घट गया 16। और देख लीजिए आप आगे, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ कॉपी। टेन इनवर्स 16 5 21/12 होल अपान 16/2 कितना होगा, 36। अगली लाइन में आप लिखेंगे और देखेंगे, 21 36 का गुणा बटे 12 16 का गुणा, 12 × 16, 12 × 12 12 3 36, 21 3 63/16। टेन इनवर्स 63/16, ये तो राइट हैंड साइड आ, नो नो नो, ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और आपका सवाल यहीं पर सिद्ध हो गया, और यहीं पर ये सवाल फिनिश हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 8 पर। अब देख लीजिए सवाल नंबर 8 क्या, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 बराबर π/4 लाना है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा संयोग है कि एक ही सूत्र यहाँ पर 3 बार इस्तेमाल होगा। आप इन दोनों को अगर एक ब्रैकेट में बंद कर दें, तो इन दोनों का एक सूत्र टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र इन दोनों में लगा लीजिए, जो टेन इनवर्स के रूप में ही आएगा, और इन दोनों को भी आप एक साथ वही सूत्र इसमें भी लगा दो, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, यानी एक ही फार्मूला यहाँ भी लगा और यहाँ भी लगा। इनको हल करके यहाँ लिख दीजिएगा और इसको हल करके यहाँ लिख दीजिएगा, तो ये भी टेन इनवर्स में ही आएगा और प्लस ये भी टेन इनवर्स में आएगा। तो यानी यह इसका जो इस ब्रैकेट का जो आंसर होगा और इस ब्रैकेट का जो आंसर होगा, इन दोनों आंसर को साथ साथ लिख करके आप फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र जब लगाएंगे, तो लास्ट में आ जाएगा कितना, π/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको लगता है यह सवाल, सवाल नंबर 8 सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें एक ही सूत्र 3 बार यूज होगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक साथ, और बाद में लास्ट में फिर एक साथ हो जाएगा, इसका इसके आंसर साथ में मिलकर के फिर से यही फार्मूला लगेगा, तो फाइनली आपको मिलेगा π/4। तो मैं यही समझता हूँ कि सवाल नंबर 8 आप लोग लगा लेंगे, मुझे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं मात्र 3 ही सवाल कवर कर पाया हूँ, और कोशिश करूँगा कि आगे की वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कवर करूँ और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूँ। धन्यवाद। थोड़ा गर्मी का समय चल रहा है, बहुत ही गर्मी है, बहुत परेशानी है, वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं टाइम निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए।